हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछले वीडियो मैंने आपको धोरे दिखाए थे और धोरों पर चढ़कर भी दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको एक पहाड़ दिखाने वाला हूं और उस पहाड़ पर चढ़कर भी बताऊंगा। गाइस, धोरों पर और पहाड़ पर चढ़ने में काफ़ी अंतर होता है। अगर धोरों पर चढ़ते वक्त अगर गिर भी जाए तो कुछ भी नहीं होगा, पहाड़ पर चढ़ते वगैरह अगर कोई गिर जाए तो क्या होगा वो आपको पता ही है। तो अब मैं आपको पहाड़ पर चढ़ के बताऊंगा कि पहाड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है। गाइज, इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। और गाइज, आप देख सकते हो कि मेरे सारा और पहाड़ ही पहाड़ है। देखिए ये, और अभी चढ़ते हैं इस पहाड़ पर। अरे गाइज, धोरों पर चढ़ना तो बहुत आसान होता है, पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दौड़कर तो चढ़ा ही नहीं जाता है। आखिर मैं अब इस पहाड़ के ऊपर चढ़ ही गया हूँ। गाइज, पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। धोरों पर चढ़ना तो बहुत आसान है, दौड़ के चढ़ गया, लेकिन पहाड़ पर बहुत मुश्किल है। आपने देखा ही है कि पहाड़ पर कैसे चढ़ा हूँ। और गाइज, इस पहाड़ के अंदर एक चमत्कारी मंदिर भी है, और अब मैं उन मंदिर को भी पूरा का पूरा दिखाऊंगा। आखिर उस मंदिर के अंदर क्या है और उसका क्या चमत्कार है वो पूरा का पूरा बताऊंगा। और गाइज, इस पहाड़ी के अंदर ये एक मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है चंपानाथ जी का मंदिर। और चंपानाथ जी का एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है कि किसी भी गांव में बारिश नहीं होती है तो उस गांव के लोग मिलकर अगर यहां पर आए और इस चंपानाथ जी को प्रसाद चढ़े तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उस गांव के अंदर बारिश हो जाती है। ये रियल में है, ये सच्चाई है। क्यों मानते हैं कि इनके प्रसाद चढ़ाने से बारिश होती है? आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत ही गहरा छेद है और इसके अंदर से घी के झरने बहते हैं, और इसी से लोगों ने इस पर विश्वास किया है और हर साल यहाँ पर आते हैं। अब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ, और पहाड़ के ऊपर चढ़कर पहाड़ के चारों ओर का जो नजारा है वो दिखाऊंगा। तो देखिए, और गाइज, आप लोग ये देख रहे हैं ना, पीछे गुफा दिख रही है ना, ये बिल्कुल एक छोटे से पत्थर पर टिकी हुई है पूरी की पूरी गुफा। अब गाइज, पहाड़ के ऊपर तो आपने काफी कुछ देख लिया है, पहाड़ के नीचे उतरते वक्त का नजारा भी देखिएगा। Thank you.
पर लोग बड़े बड़े पत्थरों को गर्म करके तोड़ते हैं। और गाइस ये पहाड़ी है ना बहुत लंबी है, हम लोग वहाँ से आए हैं, वहाँ से यहाँ से लेकर वो बहुत लंबी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नई लोकेशन पर, तब तक के लिए राम राम।